हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिल्ड्रन एजुकेशन 2M की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 34 को 2 से गुना करना है। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि हम गुना को करें कैसे। तो दोस्तों, गुना करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गुना को कभी भी राइट साइड से करना चाहिए, गुना को कभी भी राइट साइड से करना चाहिए। तो दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है? 4, और इसके नीचे क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 2 से गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे या 2 के पहाड़े 4 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो दोस्तों, 4 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया? 8। यानी कि दोस्तों, हमने 4 को 2 से गुणा किया तो क्या आया? 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों, इसके बाद क्या है? 3। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 को 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दोना 6। दोस्तों, 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ने पर क्या आया? 6। यानी कि दोस्तों, हमने 3 को 2 से गुना किया तो क्या आया? 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को लिख देंगे। और दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 32 को 3 से गुना करना है। तो दोस्तों, राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है? 2, और इसके नीचे क्या है? 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ेंगे या 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 2 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। और दोस्तों, अगर हम 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो दोस्तों, अगर हम 3 के पहाड़े 2 बार भी पढ़ेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। अगर हम 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो दोस्तों, 2 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पर क्या आया? 6। यानी कि दोस्तों, हमने 2 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को लिख देंगे। अब दोस्तों, उसी तरीके से 2 के बाद क्या है? 3। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो दोस्तों, 3 के पहाड़े 3 बार पढ़ने पर क्या आया? 9। यानी कि दोस्तों, हमने 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 32 को 3 से गुणा किया तो क्या आया? 96। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं जिसकी मदद से आपको और भी अच्छे से समझ में आए और आप कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 43 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों, उसी तरीके से राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है? 3, और इसके नीचे क्या है? 5। तो दोस्तों, हम उसी तरीके से 3 को 5 से गुणा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम 3 के पहाड़े 5 बार पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो दोस्तों, 3 के पहाड़े 5 बार पढ़ने पर क्या आया? 15। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया 2 अंक, और 2 अंक में आ जाता है हासिल यानी कि कैरी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 15 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, 15 के राइट साइड वाले अंक को यहाँ पे लिख देंगे। 15 के राइट साइड वाले अंक को हमने यहाँ पे लिख दिया, और लेफ्ट साइड वाला जो अंक हमारा बच गया वो हो जाएगा हमारा हासिल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइड में लिख देंगे। अब दोस्तों, उसी तरीके से इसके बाद क्या है? 4। तो चलिए दोस्तों, हम 4 के पहाड़े 5 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। और दोस्तों, एक हमारा हासिल था, कितना हो गया? 21। तो दोस्तों, हम 21 को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे 4 के बाद हमारा कोई भी आखिरी अंक नहीं है। और दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दोस्तों, आपको गुना तो बनाना आ गया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए